देखो रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस किसमें होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम के सोल्ट ले लो, उनकी आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ एक्वस मीडियम में। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस किस किस पे होगी? एनोड पे, कैथोड पे, ठीक है? एनोड और कैथोड पे होती है ना इलेक्ट्रोलाइसिस। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है वो बताता हूं, डायरेक्ट मेथड क्या है रिएक्शन को डायरेक्ट सोल्व करने का, मेथड नीट में जो बता रहा हूं उससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है? तो देखो एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। अब देखो आपने लिया कि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में आप लोगे क्या, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके सोडियम या पोटेशियम सोल्ट ले लो आप, ठीक है? उनकी एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो। अब क्या होगा, एनोड पे आपने लिया आर सी और ओ माइनस, ठीक है? ये ले लिया आपने, ठीक है? अब क्या यहां पे करना क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे ऑक्सीजन पे आप क्या करो, फ्री रेडिकल बन गया तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन आपके निकल जाएंगे और यहां से आप CO2 रिमूव करो, CO2 निकाल दोगे तो एक रेडिकल बच गया प्लस CO2, ठीक है? अगर यहां पे दो मोल ले लेते हैं तो दो रेडिकल हो जाएंगे आपके पास और ये दोनों रेडिकल मिलके एक एल्केन बना देंगे। ये होगी आपकी एनोड की रिएक्शन। यानी सिंपल बात है कि जो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस है उससे आपको CO2 बाहर निकालना है और एक रेडिकल से एल्केन बनानी है। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे क्या होता है कि अपन ने जो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई वो एक्वस मीडियम में करवाई थी, यहां था एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम यानी H2O था आपके पास, तो H प्लस H2O से OH माइनस और H प्लस में टूटा हुआ है, तो यहां पे जो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन थे ये मिले 2H प्लस को, दो इलेक्ट्रॉन मिले और यहां से 2H2 बन गई। यानी आपको फाइनल रिएक्शन में ये पूछा जा सकता है कि एनोड पे क्या बना और कैथोड पे क्या बना, तो एनोड पे एल्केन बन गया और CO2 बन गया और जो कैथोड है वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अब रिएक्शन कैसे करनी है, आपकी जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे वो बताता हूं आपको। देखो एग्जांपल से, ये फ्री रेडिकल वाली मैकेनिज्म है ना वैसे ही करना है इसके क्वेश्चंस को, करने की सीधी ट्रिक बताता हूं। जैसे CH3COOK, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम सोल्ट ले लिया, इसका किया आपने इलेक्ट्रोलाइसिस। अब करना क्या है, देखो यहां से तोड़ो, फ्री रेडिकल बनाओ, फ्री रेडिकल तो CH3 प्लस CO2 निकल जाएगा आपका, ठीक है? उसकी आपको बाय प्रोडक्ट लिखना जरूरी नहीं है, आपको जो मेन प्रोडक्ट है एल्केन वो बन गया। अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे C2H5COONa, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओ, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो कैसे करवाना है, देखो ट्रिक बता रहा हूं, सीधा डायरेक्ट मेथड, यहां से तोड़ा ये रेडिकल दोनों रेडिकल को, यहां पे दो मोल ले लेते हैं इसके, तो दोनों को कंबाइन कर दो, कैसे, C2H5 एक रेडिकल ये बन गया, दूसरा रेडिकल C2H5, दोनों में बॉन्ड बना दो, कैसे, C2H5 बॉन्ड C2H5, खत्म बात, बन गया। यही है, ऐसे ही बनाना है आपको, डायरेक्ट ऐसे ही करना है। अब वैलेंसी, अगर C6 पे वैलेंसी हो रही है, ठीक है, हो गया काम। अब देखो एक एग्जांपल वो ले लेते हैं, जैसे अपन यहां पे COOK ये लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस तो क्या बनेगा बताइए, ये बन जाएगा आपका यहां पे कैसा रेडिकल बनेगा, ये देखो कुछ इस प्रकार का फ्री रेडिकल बनेगा और ये कंबाइन होके ये बना लेगा आपके पास, ये हो गया आपका। तो देखो ये जो है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें मेन चीज क्या है कि एनोड पे क्या बना एल्केन और CO2, कैथोड पे क्या बना H2। क्वेश्चन आएगा ऐसे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है।